लेसन के अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण से किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि वैद्युत विभव ज्ञात कैसे किया जाता है। देखिए, वैद्युत विभव क्या होता है कि किसी अनंत बिंदु से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। अर्थात कि अगर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो किसी आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में हम लोग को कार्य करना होगा। ठीक है, उस कार्य से हम लोग को वैद्युत विभव निकल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए, एक बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के कारण से हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना एक बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतता के है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस बिंदु से एक्स मीटर की दूरी पर एक बिंदु बी मान लेंगे जिस पर एक और धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे कि इस बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे कि अगर एक ओ से बी पर कोई आवेश स्थित है तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, लगाए गए बल की गणना। ठीक है, तो लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से पहले क्या करें कि हम लोग बिंदु ओ तथा बी पर स्थित आवेश के कारण बल ज्ञात करेंगे। ठीक है, कूलाम के नियम से तो बल बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। हालांकि हम लोग ये मान लेते हैं के कर लेते, चलिए ठीक है, के इंटू क्यू क्यू नॉट बटा के का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर एक कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु आवेश को इस सी पर लाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस बल के विरुद्ध हमको एक कार्य करना। अच्छा, बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो जब बल के विरुद्ध कार्य करेंगे तो हम लोग मानते हैं कि बी से सी तक इस बिंदु के सापेक्ष -dx दूरी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि बी से सी तक लाने में किया गया हम लोगों ने ये मान कर रखे हुए हैं कि बी से सी तक ला रहे हैं dx दूरी, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। तो कार्य ज्ञात करेंगे तो w बराबर हो जाएगा बल, बल हम लोग के पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। हम लोग मान लेते हैं कि जो यह वैद्युत या वायु में रखा हुआ है तो k का मान 1 हो जाएगा, यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, हो जाएगा क्यू क्यू नॉट बटा के एक्स स्क्वायर गुणे -dx। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बटा के एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब इसको अनंत से आर दूरी तक लाने की कोशिश करेंगे। कहाँ से लाने की कोशिश करेंगे, अनंत से आर दूरी तक लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो W बराबर हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी से R -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बटा के एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, हालांकि ये सब चीज़ें आप जानते हैं, हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, पहले से आपको पता है, ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। तो यह W बराबर हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ, पहले क्या करें जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकालें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू नॉट, ये आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा 0 इन्फिनिटी से लेकर आर तक 1/x² dx। इसका समाकलन करेंगे, जब समाकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 1 -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट
अब इसका समाकलन हो जाएगा माइनस एक बटा थ्री एक्स कहाँ से इन्फिनिटी से लेकर आर तक, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक आर तक। अब क्या करते हैं इसे मान रखते हैं, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बटा के एक्स। ये माइनस से माइनस से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा है ना। ये तो रहा कार्य, लेकिन हमको क्या करना है वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो वैद्युत विभव भी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, तो वी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू का मान हम लोग निकाल कर रखते हैं तो हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बटा के आर इंटू क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट का हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। यह हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, सॉरी वैद्युत विभव, ठीक है। कुछ इस तरह से यह आप पहले भी पढ़े हुए हैं, बस एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। इतना के लिए इसमें इतना के लिए रहने देते हैं।